में सोमवार की शाम घर में घुसकर एक युवती की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। वारदात के समय युवती कमरे में अकेली थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जालिफ नगला का है। नन्हे बाबू अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। यहीं पर उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोली है। शाम 6 बजे बेटी फैजा और पत्नी आसिफा घर पर थे। पत्नी ने बताया कि शाम के 6 बजे थे और मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। बेटी नीचे कमरे में सो रही थी। खून से लथपथ वह छत की तरफ आई। उसके पेट से खून बह रहा था। बेटी ने बताया कि हसन ने उसे चाकू मारा है। जब तक मैं नीचे गई आरोपी भाग गया था। उधर पिता ने बताया कि पत्नी का फोन आते ही मैं जल्दी घर पहुंचा। फिर बेटी को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मेरी बेटी ने हसन पर हत्या का आरोप लगाया था। हसन उत्तराखंड के सितारगंज में रहता है। करीब 1 साल पहले फैजा अलीगढ़ में संविदा कर्मी के पद पर काम करती थी। वहीं पर हसन एक हेयर कटिंग की दुकान चलाता था। इस दौरान फैजा और हसन के बीच जान पहचान हो गई थी। इसके बाद हसन का हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। इसके अलावा परिजन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। वहीं आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।